जाते हैं, खुल गया इनके इलाज करते करते भाई कपड़े ढीले हो जाते हैं, कपड़े ढीले हो जाते हैं, बैठना पड़ता है। अंधविश्वास, ढोंग और अभद्रता, आए दिन हमारे सामने ऐसे कई वीडियोस वायरल होते हैं जिसमें बाबा अश्लील हरकतें करते नजर आते हैं। एक बार फिर से बाबा का एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है। चलिए आपको बताते हैं इस पूरे वीडियो के बारे में। नमस्कार, आप देख रहे हैं चेतना मंच और मैं हूँ आपके साथ तनुश्री त्रिवेदी। कुछ दिन पहले भी कानपुर के एक बाबा का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें बाबा दो लड़कों के साथ अश्लील हरकत करता नजर आया था, जिसके बाद उन दोनों लड़कों ने बदला लेने के लिए बाबा के ही घर चोरी कर दी थी। लेकिन इस बार जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं वो भी एक बाबा की है, लेकिन इस बार वीडियो में बाबा ने अश्लीलता की सभी हदें पार कर दी। बाबा आयुर्वेदिक इलाज के नाम पर महिला के साथ अभद्रता करता नजर आया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अली सौरभ ने ये वीडियो शेयर करते हुए लिखा, बाबा का आयुर्वेदिक इलाज। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। कुछ लोगों का ये कहना है कि एक स्क्रिप्टेड वीडियो है, तो वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये ओरिजिनल वीडियो है और बाबा पर सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। जो महिला इस वीडियो में नजर आ रही है उसने बताया कि अबॉर्शन के बाद उसका पेट दर्द नहीं बंद हो रहा था, जिसके लिए आयुर्वेदिक इलाज कराने वो बाबा के पास आई थी, लेकिन बाबा जी आयुर्वेदिक इलाज के नाम पर कुछ और ही करते नजर आ रहे हैं। जब बाबा से सवाल किया गया कि आप महिला से अभद्रता क्यों कर रहे थे, तो बाबा ने जवाब में वीडियो बना रहे व्यक्ति को ही भस्म करने की धमकी दी। पहले आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और सुनिए कि किस तरीके से बाबा अश्लीलता करने के बाद लोगों को ही भस्म करने की धमकी देते नजर आ रहे हैं। हेलो, क्या हुआ, क्या कर रहे हो अभी? भाई तुम यहाँ कौन आए हो, क्या बात है, क्या कर रहे थे अभी? इलाज कर रहा हूँ। इलाज कर रहे हैं? हाँ। ऐसे इलाज होते हैं? भाई मैं अपने तरीके से इलाज कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, क्या चीज का इलाज कर रहे हैं? तो अबोसन बच्चा था, इससे पहले अबोसन कराई, उसके बाद में पेट में दर्द रहता है। अभी तो ये बाबा नाड़ा बांध रहा था और ऐसे इलाज कर रहे हो, नाड़ा कैसे खुल गया इसके इलाज करते करते? भाई कपड़े ढीले हो जाते हैं, कपड़े ढीले हो जाते हैं, बैठना पड़ता है, उठना बैठना पड़ता है, जमीन में लटा के बेड है, इस पे नहीं बैठा है, नीचे बैठा है, क्या बात है, क्या कर रहे हो? सुन भैया, इससे पहले बाहर निकल, बैठने वाली नहीं है, तुम एलोपैथी की बात कर रहे हो, वो चीज नहीं है। अच्छा, यहाँ आयुर्वेदिक इलाज होता है, जमीन पे होता है। अच्छा, और देसी जड़ी बूटियां हैं जो कि मैं हिमालय से लेके आया हूँ। अच्छा, क्या क्या चीज का इलाज करते हैं? क्या क्या चीज का? किसी के बच्चा ना हो, हाँ, किसी के पेट में दर्द हो, अच्छा, किसी को और कोई उल्टियाँ आ रही हो, कोई और परेशानी हो, तो सब चीज का इलाज है मेरे पास। कैसे इलाज करते हैं? हाँ? बच्चा नहीं होता है उसका कैसे इलाज करते हैं? क्या दवाइयाँ देता हूँ और उसके साथ संबंध बनाते हैं? हाँ? भाई दवाइयाँ देता हूँ, जड़ी बूटियाँ देता हूँ, और दवाइयाँ देते हैं, हैं तो ये नाड़ा अपने कैसे बांध रहे थे? हाँ? नाड़ा हाँ? कैसे बांध रहे थे? मतलब उठने बैठने से ढीले हो जाते हैं। ढीले हो गया था? अच्छा, ढीले हो गया। क्या हुआ है तेरे साथ, क्या किया है अभी? गलत काम किया है क्या? सीधे सीधे इधर बात कर, करो इधर, क्या किया है आपके साथ? गलत काम किया है? अरे यार, तू तो बोल रहे हो इलाज कर रहे हो, यहाँ पे आके गलत काम कर रहे हो इसके साथ? हाँ? मैं सब तरह के इलाज करता हूँ, सब तरह के इलाज हूँ। अच्छा, तांत्रिक भी हूँ। अच्छा, ये बताओ पहले, यहाँ पे ठीक है सब कुछ है, तू डॉक्टर भी है, आयुर्वेदिक भी इलाज करता है, सब मानता हूँ मैं, लेकिन क्या बात है कि इसके साथ अभी गलत क्यों किया है? भाई मेरे से ज्यादा सवाल मत कर, नहीं तो अपने ऐसे मंत्र फेरूंगा। अच्छा, कि तुझे एक मिनट में भस्म कर दूंगा। भस्म कर देगा इसके साथ, तू गलत संबंध क्यों? अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि ये वीडियो कहाँ की है, ये वीडियो स्क्रिप्टेड है या फिर ये वीडियो ओरिजिनल है। फिलहाल अंधभक्त और अंधविश्वास में महिला इतना डूब गई थी कि इनको पता ही नहीं चला कि बाबा आखिर कौन सा आयुर्वेदिक इलाज कर रहे हैं। इसलिए जागरूक बने, अंधविश्वास और अंधभक्ति में ना फंसे। आपकी इस बात पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहे चेतना मंच के साथ। धन्यवाद।